प्रैक्टिकल टीचिंग, एक बहुत ही भविष्यवक्ता शिक्षा। द बुक ऑफ ड्यूटरोनमी निकालने की व्यवस्था विवरण चैप्टर 1:8 पहला अध्याय उसका 8वां वचन। यस लेट अस सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारी बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। Amen. उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। दिस मंथ इज द मंथ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो महीना है एक उत्तराधिकारी का महीना है। It's very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। So we are going to listen a prophetical message. तो एक भविष्यवक्ताई संदेश को इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं। Very small prophetical message. बहुत छोटा सा भविष्यवक्ताई संदेश है ये। We all of us know every month we read one promise, based on that we study and research the secrets of the truth. हम सब जानते हैं हर महीने एक प्रतिज्ञा का वचन लेकर उसके आधार पर ही हर उपवास प्रार्थना में हर सभा में हम जो है रहस्य की और सत्य की खोज करते हैं। This is the uniqueness of the Trinity Living Well Fellowship. और ये सत्य विश्व ये त्रिएकता जीवित ज्योति संगति की बहुत ही अनोखी बात है। Taking one verse which God gives us every month first day. और एक वचन जो परमेश्वर हर महीने की पहली तारीख हमें लेता देता है उसी वचन को लेकर। Then Dad stand on that and we are meditating in every meeting. और पापा उसी के आधार पर उस वचन को लेकर सारी सभा में उस पर हम मनन करते हैं। So number 8 is. तो आठवां जो अंक है. It's a number secret is a inheritance. और उसका जो रहस्य है उसका जो गुप्त बात है वो ये है कि ये अंक एक उत्तराधिकारी के जीवन को दर्शाता है. Which means. जिसका अर्थ है. Very easiest way to understand. बहुत ही आसान और सरल तरीका है समझने के लिए. Whatever belongs to God, कि जो कुछ परमेश्वर का है, that we need to make it our inheritance. उस सबको हमें अपना अधिकार में बना लेना, अपने अधिकार में कर लेना है. God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, God said to Israel, परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, go and inherit the things which belongs to you. जाकर उन सब चीजों को जो तुम्हारी है अपने अधिकार में कर लो. Inheritance. It belongs to every child of God. अधिकार में कर लेना ये जो उत्तराधिकारी का जीवन है ये परमेश्वर की हर संतान का हक है, उसका अधिकार है. There are many people they live in religious. कई लोग हैं जो धर्म में जीते हैं. But few people are enjoying the God's blessing. लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो वास्तविक तौर पर परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाते हैं. Are you listening? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? A small science. एक छोटा सा विज्ञान. After cooking the food, खाना को पकाने के बाद you have to enjoy the food. आपको उस खाने का आनंद उठाना है. When you purchase the garments from the shop, जब आप दुकान से कपड़े खरीदते हैं, by wearing you have to enjoy. और कपड़े पहनकर उसका आपको आनंद उठाना है. Any material what you bring to the house, और जो भी वस्तु आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं, what is your response? उसके बदले में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? You need to enjoy. आपको उसका आनंद उठाना है. Are you listening? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? The same way. वैसे ही. On this earth. इस पृथ्वी पर. God said to first man. परमेश्वर ने पहले मनुष्य से कहा. Be blessed. कि आशीषित हो जाओ. Be fruitful. और फलवंत हो जाओ. And be multiplied. और बढ़ते जाओ. Enjoy. आनंद उठाओ. You need to understand. आपको ये बात समझने की आवश्यकता है. Christian life is not a religious. कि मसीह जीवन एक धर्म का जीवन नहीं. It's not some problem oriented life to come to God's presence to ask God to solve the problem. और ये एक ऐसा जीवन नहीं और इस जीवन का ये उद्देश्य नहीं कि आपकी बहुत समस्या है और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आप परमेश्वर से कहे प्रभु मेरी समस्याओं को दूर कर या समाधान कर दे. Are you listening? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? Man made his life such a way. मनुष्य ने अपने जीवन को ऐसा बना दिया है. He come to his God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है. He asking और पूछता है. Lord, I am in the trouble. और कहता है प्रभु मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ. Please remove my trouble. मेरी मुसीबत को तू दूर कर दे. Of course, God answer prayer. ये बात सच है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर But देता है. Beyond that, you need to go beyond that. लेकिन आपको उससे आगे बढ़ना है. What is that? और वो क्या है? The inheritance, which mean the things which is belongs to you.
that must be enjoyed, inherited, and that must be obtained by you. उत्तराधिकारी बनने का अर्थ होता है कि जो कुछ आपका है उन सब चीजों को आपको अपने अधिकार में ले लेना है, उसका आपको बहुत आनंद उठाना है और वो सब आपके कब्जे में होना चाहिए. The number 8 is, और जो आठवां ये अंक है, it's a life of inheritance. ये एक उत्तराधिकारी के जीवन को दर्शाता है. You have to make and enjoy the things which is belongs to you. जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो आपका है, उन चीजों को लेकर उनका आपको आनंद उठाना है. When you go to the bank, जब आप बैंक में जाते हैं, you go with a great joy. आप बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी से. You will not go with a fear. वहाँ पर आप डर डर के नहीं जाएंगे. Are you going to bank with like a thief? क्या आप बैंक में चोर के समान जाते हैं? No, you go with a आपका जस्ट छाती फुल कर अंदर जाते बैंक में, बिकॉज माई बैंक माई मनी इज देयर. और आप अपनी छाती चौड़ी करके बैंक में जाते हैं क्योंकि आप बोलते हैं मेरा पैसा यहाँ पर है. ओह हालेलुया, हालेलुया. देन यू गो टू द कैश, यू गो टू द क्लर्क, और आप क्लर्क के पास जाते हैं. यू टेक ए फॉर्म, आप एक फॉर्म लेते हैं. यू फिल इट, आप भरते हैं. यू नेवर टॉक, आप कोई बात नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते. नो टॉकिंग, किसी से कोई बात करने की जरूरत. ओनली डूइंग, आपको करना है. फिलिंग द फॉर्म, फॉर्म भरना है. गिविंग टू दैट मैन, और उस व्यक्ति को देना है. एंड ही कॉल यू टू द ही विल शो द नंबर, और फिर आपका टोकन नंबर वो दिखाते हैं. देन यू गो एंड टेक इट, और फिर जाकर आप ले लेते हैं. बोथ ऑफ यू नेवर टॉक, और आप में से दोनों, ना तो आप बात करते हो ना बैंक वाला आपसे कोई बात करता है. You will go to the bank. Can I ask the manager, sir? Can I take my money? और आप बैंक में जाकर मैनेजर को पूछेंगे, साहब मैं अपना पैसा ले सकता हूँ क्या? See, it's a foolish thing. नहीं, ये तो एक मूर्खता की बात होगी. Are you listening? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? When you come to His presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you have to recognize the authority of God, which is the inheritance. आपको परमेश्वर के अधिकार को पहचानना है, जो है उत्तराधिकारी, वारिस बनना. Shall we read the verse 8? वचन 8 फिर से पढ़ेंगे. सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो. जाकर अपने अधिकार में कर, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ दिस मंथ. यही इस महीने की प्रतिज्ञा है. विच मीन, जिसका अर्थ ये है, ये लाइफ ऑफ इनहेरिटेंस, एक उत्तराधिकारी, एक वारिस का जीवन है. 90% of the Indian Christian, they never enjoy the life which God has given to them. 90% मसी लोग उस जीवन का आनंद नहीं उठाते जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है. What is that life? वो जीवन क्या है? Like going to the bank and taking out your money. और वो जीवन ऐसा है जैसे आप बैंक में जाकर पूरे अधिकार से अपना पैसा लेते हैं. Then you are enjoying. और फिर उसका आप आनंद उठाते हैं. See, Monday to Saturday. देखिए सोमवार से लेकर शनिवार तक. You have to recognize your inheritance. आपको अपने अधिकार को, अपने विरासत के अधिकार को पहचानना है. Of course, we need to help each other in prayer. ये बात सच है कि प्रार्थना में हमें एक दूसरे की मदद करनी है. But that is not the end. परंतु वही अंत नहीं है. The end is. अंत ये है. You need to have a कि आपको उत्तराधिकारी बनना है. What is an inheritance? और उत्तराधिकारी बनने का अर्थ क्या है? Becoming to the things which is belongs to you. कि जो कुछ आपका है उन्हें अपना, उसे अपना बना लेना है. Once you know your inheritance, एक बार जब आप अपने उत्तराधिकारी के अधिकार को जान लेंगे, you will look like a king's style. आमेन. आप एक राजा के समान जीवन जी. Yeah, royal life you need to have. Yes, एक रॉयल जीवन आपका, एक राजा के समान आपका जीवन होना चाहिए. Blessed life. और एक बहुत ही आशीषित जीवन होना चाहिए. Already in the psalm reading, I told you, you need to know, remember the healing and one deliverance, the miracle. और पहले ही भजन संहिता में मैंने आपको बताया है कि आपको चंगाई को, छुटकारे को, चमत्कार को स्मरण करना है. It means, इसका अर्थ ये है, the life of inheritance. कि ये एक उत्तराधिकारी का जीवन है. It is a very easiest one. बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है. The inheritance is not connected with the religion. और जो उत्तराधिकारी होता है वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं. It's never connected with the church. वो कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं. It's never connected with the mission. वो संस्था से जुड़ा हुआ नहीं. It's never connected with the pastor. वो पासबान से जुड़ा हुआ नहीं होता. It's connected with you. वो आप से जुड़ा हुआ है. Hallelujah. Hallelujah. Again, I come to the same example on bank. फिर से मैं बैंक के उदाहरण पर आता हूँ.
bank where you have the account. Bank जहाँ पर आपका खाता है. The manager concerned about you only. Manager वहाँ से आपकी चिंता करता है. Only the connection between you and the bank. और bank और आपके बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसकी चिंता होती है. It never connect with your house. वो आपके घर से उसे आपको उसको उसको कोई लेना देना नहीं. Not your family friends. आपके परिवार से आपके मित्रों से उसे कोई लेना देना नहीं. Because your name is in the bank passbook. क्योंकि आपका नाम बैंक के पासबुक पर लिखा हुआ है. So the bank always deal with you only. तो बैंक को सिर्फ आपसे मतलब है, आपसे काम है. The same way, वैसे ही इनहेरिटेंस एक उत्तराधिकारी. God wants to deal with you only. परमेश्वर सिर्फ आपसे उसे काम है, उसको आपसे मतलब है. So you need to be a man of inheritance. तो आप जो है एक उत्तराधिकारी के व्यक्ति होना चाहिए. Which is belongs to you. कि जो कुछ आपका है you have to take it. उसे आपको ले लेना you है. Have to inherit. आपको उसका उत्तराधिकारी every बनना month you है. Have to look yourself. आपको हर महीने अपने आप को देखना है. Where I am. कि मैं कहाँ पर हूँ. Where I am in my blessing. मैं अपनी आशीषों में कहाँ पर हूँ. Where is my blessing. मेरी आशीषें कहाँ पर. Where is my healing. मेरी चंगाई कहाँ पर. Where is my miracle. मेरा चमत्कार कहाँ. Where is my job. मेरी नौकरी कहाँ. Where is my house. मेरा घर कहाँ पर. Where is my land. मेरी जमीन कहाँ पर है. Which is belongs to me. और कौन सी चीजें जो मेरी है. The things which is belongs to me. और जो जो मेरी है. That is mine. वो सब मेरी ही है. It's a very easiest way. बहुत ही सरल और आसान तरीका. Easiest way to identify. पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है. Very high. For example. उदाहरण के लिए. You are in Nagpur. आप नागपुर में हैं. It's easy for you to identify your own house. आपके लिए अपना घर पहचानना बहुत आसान है. सभी बोलो मेरा घर को पहचानना मेरे लिए आसान है. मेरे लिए मेरे घर को पहचानना बहुत आसान है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. It's not difficult. ये मुश्किल नहीं है. But you know your house. क्योंकि आप अपना घर जानते हैं. When you get down from the bus stand. जब आप बस स्टैंड से उतरते हैं. Within half an hour you reach your house. आधे घंटे में आप अपना घर बराबर पहुंच जाते हैं. Is it right? क्या ये बात सही है. Is it, it is true. ये बात सच है. You know your house. आपको आपका घर पता है. The same way. वैसे ही. You must know your blessing. आपको अपनी आशीषें भी पता होनी चाहिए. You must know your things. Where is that? आपको मालूम होना चाहिए कि आपसे जुड़ी हुई चीजें कहाँ पर. Where is your job? आपकी नौकरी कहाँ. Where is your money? आपका पैसा कहाँ. Where is your healing? आपकी चंगाई कहाँ. Where is your miracle? आपका चमत्कार कहाँ. Where is your discovery? आपकी खोज कहाँ पर. Where is your treasure? आपका खजाना कहाँ पर है. It's very easy to identify. ये सब पहचानना बहुत आसान है. For the God's people. परमेश्वर के लोगों के. For the Gentiles difficult. अन्य जातियों के लिए मुश्किल. But for you it's very easy. लेकिन आपके लिए बहुत आसान है. What is very easy? और बहुत आसान क्या है. My inheritance. मेरा उत्तराधिकार है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Very easy to identify your inheritance. अपने उत्तराधिकार को पहचानना बहुत आसान है. This first Friday. इस पहले शुक्रवार. I want to give you three key. मैं आपको तीन चाबी देना चाहता हूँ. How to know your inheritance. कि कैसे आप अपने उत्तराधिकार को जान सकते हैं. How to inherit. कैसे आप उत्तराधिकारी बन सकते हैं. This month. इस महीने में. You must see the inheritance. आपको उत्तराधिकारी को देखना है. Don't lead a religious life. और आप एक धर्म का जीवन मत जिए. I'm not asking whether you have the morning prayer. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा आपने सुबह प्रार्थना की या नहीं. Do you have the family prayer. मैं आपके पास परिवार की प्रार्थना. I will not ask you have you read your Bible. मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आपने आज बाइबल पढ़ा या नहीं पढ़ा. पिछले 2000 साल से पादरी लोग यही पूछते आ रहे थे बाइबल पढ़ा क्या, परिवार की प्रार्थना हुआ क्या, तेरा माँ के साथ तू प्रार्थना क्या किया, तू संडे चर्च गया क्या. Stop this all the nonsense question. और ये सब बिना मतलब के सवाल पूछना बंद करिए. It's a very surprise to hear my message. और मेरे संदेश को सुनना हो सकता है आपके लिए बहुत अचंभा की बात होगी. That's a religious people they ask. लेकिन वो जो है धर्म के लोग ये सब पूछते हैं. बाइबल पढ़ा क्या तू, बाइबल पढ़ा प्रार्थना क्या, ये नहीं पूछता कोई भी आपको नौकरी मिला इस महीना में क्या, नहीं ये नहीं पूछते. आपकी इस महीना में बीमारी से चंगाई हुआ क्या, ये नहीं पूछते. अगर बीमारी हुआ तो हॉस्पिटल जाने के लिए बोलते. हेलो लिसन, ध्यान से सुनिए. ये जिंदगी पूरा पूछ पूछ कर कोई फायदा नहीं है. बाइबल पढ़ा क्या, प्रार्थना किया क्या, चर्च गया क्या. Don't ask this kind of question. इस प्रकार के सवाल आप मत पूछिए. That time is over. क्योंकि वो समय जा चुका है. Ask. पूछिए. Did you see today miracle? क्या आपने आज कोई चमत्कार देखा है. Hallelujah. Hallelujah. That is a life. वो है जीवन. That is a inheritance. वो है उत्तराधिकार.
Then he able to say, today I got the healing. क्या आप कह सकते हैं आज मुझे चंगाई मिली है. I'm enjoying my healing. मैं अपनी चंगाई का आनंद उठा रहा हूं. I got deliverance. मुझे छुटकारा मिला. Yes, today I got some money. हाँ, मुझे आज कुछ पैसा मिला है. I can give to International Prophecy Center. मैं अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता केंद्र में दे सकता हूँ. I can do the ministry. मैं सेवकाई कर सकता. Yes, today I got one soul is saved. हाँ, आज मैंने एक आत्मा को बचाया है. Yes, today I started a prayer cell. हाँ, आज मैंने एक प्रार्थना दल शुरू किया है. Dad is so busy. पापा बहुत व्यस्त रहते हैं. In the midst of busy, yesterday I took 3 meetings. और व्यस्तता के बीच में कल पापा ने 3 सभा ली. Listen. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Very important. बहुत महत्वपूर्ण है. Before I come to the online, I was praying for the 15 people in my room. और आज ऑनलाइन आने के पहले मैंने अपने कमरे में 15 लोग आए थे, उनके लिए मैंने प्रार्थना की. I never expected. मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी. मम्मी was surprised. और मम्मी अचंभित हो गई. मम्मी डैडी देखो 15 लोग आए हैं. और वो कहने लगी पापा देख के 15 लोग आए हैं. Listen. बहुत ध्यान से सुनिए. You must understand. आपको ये बात समझने की आवश्यकता है. Stop to ask the people, did you pray today? Have you read the Bible today? Have your family prayers conducted or not? It's all religious. आप लोगों से ये पूछना बंद कीजिए कि क्या आज आपने बाइबल पढ़ा है, क्या परिवार की प्रार्थना की. ये सब धार्मिक क्रियाओं की बातें हैं. हिंदी में कहावत है, काम की बात करो. काम की बात करो. कौन सी बात करना है? काम की बात. ए बच्चों ध्यान से सुनो, परमेश्वर तुझसे ये पूछता है. अरे भैया तेरी प्रार्थना तेरी उपवास वो नहीं पूछ रहा हो. काम की बात करो, आज क्या हुआ तेरे जिंदगी में बोल. खुदा खुदा कहते रहते हो, बोलो. काम की बात करो. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण. डू यू हैव द रिपोर्ट? क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है? काम की बात है. Have you seen a miracle today? क्या आज आपने कोई चमत्कार देखा? Have you inherited your blessing? क्या आपने अपने आशीषों का उत्तराधिकार आपने प्राप्त किया है? How long you'll be writing in the notebook? कब तक नोटबुक में लिखते जाएंगे आप? How long you'll be sitting? कब तक ऐसे ही बैठे? How long you'll be reading the Bible? कब तक बाइबल ऐसे ही पढ़ते रहेंगे? How long you'll be like a sadhu? कब तक आप साधु के समान रहेंगे? अध्ययन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, भजन से 23 साल से बढ़ते रहेंगे. यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई काज कठिन नहीं पड़ा, जिंदगी पूरा कठिन कमी. यहो भजन सिंह 23 को 23 साल से पढ़ते रहते हो और संडे स्कूल के बच्चों के समान दोहराते रहते हो. यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात को कड्डी नहीं. वही घर में, जिस घर में 23 साल से वो भजन सिंह 23 बार पढ़ते ना, वही घर में कमी कड्डी. इट्स अ डिसऑनर, ये अपमान है. It cannot be accepted your life. और आपके जीवन में इस बात को ग्रहण नहीं किया जा सकता. You are not inherited the land which was promised. और जिस देश की प्रतिज्ञा की गई थी उसे आपने अपने अधिकार में नहीं किया है. God is not able to see. I'm not able to see my blessing. और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपनी आशीषों को देख नहीं पा रहा हूं. मैं तो ये तो देख रहा हूं तुम रोज बाइबल पढ़ते हो, मैं तो देख रहा हूं हर संडे चर्च में जाते हो, ये तो देख रहा हूं, देख रहा हूं सब कुछ. पर ये नहीं देख रहा हूं कि जो कुछ मैंने आपके लिए अधिकार दिया था उसका वारिश होते हुए मैं नहीं देख रहा हूं. आमेन. आई एम नॉट एबल टू सी यू. मैं नहीं देख पा रहा हूं द ब्लेसिंग, उन आशीषों को, द प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, द हीलिंग, चंगाई, द मिरेकल, चमत्कार, द डिलीवरेंस, छुटकारे, द ब्लेसिंग, आशीषों को. My dear children, मेरे प्यारे बच्चों, First Friday, पहला शुक्रवार, dedicate your life, अपने जीवन को समर्पित, Lord, प्रभु, I want to inherit, मुझे उत्तराधिकार बनना, I want to tell you a great testimony every Sunday, हर रविवार में एक बड़ी गवाही देना चाहता हूँ. जब मैं रविवार को गवाही का समय दिया तो सभी चुपचाप बैठे ही रहते हैं. No testimony, गवाही आपके पास नहीं है. पापा 3-4 बार दोहराना पड़ता है, गवाही दे दो, गवाही दे दो, गवाही दे दो, गवाही दे दो. Everybody is sitting because they don't have a testimony, miracle they don't have. और सब ऐसे ही बैठे रहते क्योंकि उनके पास कोई चमत्कार नहीं है. यदि मैं बोलूं प्रार्थना निवेदन दे दो, सभी कागज भर कर लिख करके दे देंगे. Listen. ध्यान से सुनिएगा. If I ask the people on Sunday, please send your prayer request in chat. और यदि मैं रविवार के दिन लोगों से कहूं कि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को चैट में भेजिए, पूरा भर जाएगा मेरा. पूरा भर जाएगा. The same time I ask them to tell the testimony. और उसी समय यदि मैं उनसे गवाही देने के लिए बोलूं, साइलेंट, चुप हो जाते हैं.
Sometimes very much painful. कई बार मुझे बहुत दर्द होता है. No testimony. कोई गवाही उनके पास. अगर गलती से गवाही भी देंगे तो वही दर्शन, वही स्वप्न का गवाही. गवाही दर्शन से नहीं होती है, गवाही वो होती है तेरे जिंदगी में परमेश्वर के आशीषों का वारिस होना. आमेन, हालेलुया. Very important. बहुत महत्वपूर्ण है ये. Coming Sunday, I want 7 testimonies. आने वाले रविवार को मुझे 7 गवाही चाहिए. I will reduce my message. मेरे संदेश को मैं कम कर दूंगा. प्रचार करके क्या फायदा फिर? गवाही नहीं तो संडे प्रवचन देकर क्या फायदा है? मैं थोड़ी बाबा आश्रम तो नहीं है. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. You have to pray to God. आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है. Lord, I must carry a testimony. प्रभु मुझे एक गवाही लेकर चलनी है. I want to inherit. मुझे उत्तराधिकारी बनना. I want to inherit. मैं उत्तराधिकारी बनना. Every day I want a miracle. हर दिन मुझे चमत्कार चाहिए. I want one soul to be redeemed. मैं एक आत्मा को बचाना चाहूँ. I want to go and pray for the one sick person. और एक बीमार व्यक्ति के मैं प्रार्थना करना चाहूँ. I will go and see a person delivered from the sickness. और एक व्यक्ति को बीमारी से मैं छुटकारा पाते हुए देखना चाहता हूँ. Is it right? यही बात सही है. This afternoon. आज की इस दोपहर में. Before I could pray and finish. इससे पहले कि मैं प्रार्थना करके समाप्त करूं. Yes Lord, I want a man of inheritance. हाँ प्रभु, मैं एक उत्तराधिकारी बनना चाहता. Somehow. कैसे तो भी. This eighth month. इस आठवें महीने में. Somehow. कैसे तो भी. Somehow. कैसे तो भी. I will bring 5 souls. पांच आत्माओं को मैं लेकर. Somehow. कैसे तो भी. For the international property Sunday. अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता. I have to give something. कुछ ना कुछ मुझे देना है. Somehow. कैसे तो भी. I want some miracle. मुझे चमत्कार. I want some deliverance. मुझे कुछ ना कुछ छुटकारा चाहिए. Is it right? क्या ये बात सही है? You need to know that. आपको इस बात को जानना है. Where is my inheritance? मेरा उत्तराधिकार कहाँ है? Hallelujah. Hallelujah. Where is my blessing? मेरी आशीषें कहाँ है? Where is my blessing? मेरी आशीषें कहाँ है? I have to bring it. मुझे उसे वापस लाना है. See the newspaper. और अखबार को देखिएगा. Many thieves. कई चोर. They are so busy in the job. अपने काम में बहुत व्यस्त है. You can see the everyday newspaper. हर दिन आप अखबार पढ़ सकते हैं. The thieves are they are doing the best job. और चोर सबसे अच्छा काम कर रहे हैं. And the police are doing best job. पुलिस वाले भी अब सबसे अच्छा काम कर रहे हैं. एक तो चोर करता है, पुलिस वाला पकड़ते हैं, बहुत enjoy हो रहे हैं, बहुत मजा आती है. चोर वाले चोरी करते हैं, पुलिस वाला पकड़ते हैं, न्यूज़पेपर छापता है. Listen. क्या आप सुन रहे हैं? ए बच्चों, सुन रहे नहीं? सुन रहे हैं. थोड़ा हासो, कम से कम थोड़े एक्सपीरियंस दिखा दो. सिंपली डोंट सिट लाइक दैट. आप ऐसे ही मत बैठिए. पापा ने क्या बोला? चोर चोरी करते हैं, पुलिस वाले उन्हें पकड़ते हैं, अखबार वाले छापते हैं. दैट इज अ इनहेरिटेंस. वो है उत्तराधिकार. सभी बोलो, चोर चोरी करते हैं, पुलिस पकड़ते हैं और अखबार वाले छापते हैं. मैं तो काली बैठते रहता हूँ. बोलो, वो भी बोलो. मैं काली बैठे काली न्यूज़पेपर पढ़ते रहता हूँ. कम से कम चोर चोरी करता है, पुलिस वाला पुलिस चोर को पकड़ता है, दोनों को लेकर अखबार वाला उसको प्रिंट करके दुनिया को बताता. मैं तो सिर्फ काली बैठते रहता हूँ, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोलते रहता हूँ. ये काम तेरा काम क्या है? What is your inheritance? आपका उत्तराधिकार क्या? Can you able to understand the 10,000 soul vision? क्या आप 10,000 आत्माओं के दर्शन को समझ पा रहे हैं? Why you are anointed? क्यों आप अभिषिक्त किए गए हैं? Why you are bent through as a prophet? क्यों एक भविष्यवक्ता के प्रशिक्षण से आप गुजरे हैं? Why you are carrying the Bible in your hands? क्यों आप अपने हाथ में बाइबल लेकर चल रहे हैं? Inheritance. उत्तराधिकार. Inheritance. उत्तराधिकार. Go and inherit which is belongs to you. जाओ और जो तुम्हारा है उसे अपने अधिकार में कर लो. I know you have a great question. मैं जानता हूँ आपके अंदर बड़ा सवाल है. Daddy, how it is possible? पापा, ये कैसे हो सकता है? Of course, I pray and read Bible, but nothing is happening. ये बात सच है. मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, पर कुछ नहीं होता है. Why? क्यों? Three key I'm going to give you. तीन चाबी मैं देने जा रहा. Three property का. तीन भविष्यवक्ताई. Number one. पहली बात. The same words. वही वचन पढ़ेंगे. Eight. सुनो,
मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ. नंबर वन, पहली बात, इट्स वेरी इजी टू इनहेरिट द ब्लेसिंग व्हिच बिलोंग्स टू यू. और जो आशीष आपकी है उसका उत्तराधिकारी बनना बहुत आसान है. व्हाई? क्यों? नंबर वन, पहली बात, वर्स 8, वचन 8 पढ़ते हैं. सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम. नंबर वन, सबरीड अगेन. सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ. सामने किए देता. नंबर वन, ओपन डोर. पहली बात, खुला हुआ द्वार है. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण. एवरीवन दोस ऑन द लाइन, हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन है, यू आर थिंकिंग ऑलवेज डैडी वेर एवर गो माई डोर्स आर क्लोज. आप हमेशा ये सोचते पापा मैं जहाँ जाता हूँ मेरे दरवाजे बंद हो. नो, इट इज योर मिस्टेक. नहीं, ये आपकी गलती है. Once you know that you are the inheritance, एक बार आप जब जान लेते हैं कि आप एक उत्तराधिकारी हैं, you have the inheritance, आपके पास उत्तराधिकार है, it's very easy, तो बहुत आसान है. Because, क्योंकि God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, the land I have kept before you, वो जमीन उस भूमि को मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है. No fencing, उसमें कोई बाड़ा नहीं डाला है. फेंसिंग भी नहीं डाला, गेट में. इट्स अ ओपन लैंड, ये एक खुली हुई जमीन, खुली हुई भूमि है. ओपन डोर, खुला हुआ दरवाजा है. द लैंड विच वॉज प्रोमिस्ड बाई गॉड टू द इसराइल, इट्स अ ओपन डोर. जिस भूमि की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसराइलियों से की, वो एक खुला हुआ दरवाजा है. यू नो, व्हेन ही कम टू हिज प्रेजेंस, आप जानते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं, दे विल ऑलवेज पुट ए नेगेटिव थॉट. शैतान हमेशा आपके अंदर एक नकारात्मक विचार को डालता है. लॉकडाउन, लॉकडाउन है, बंद, लॉकडाउन, लॉकडाउन, सब बंद है. लॉकडाउन, सब बंद है. लॉकडाउन, सब बंद है. दिस वर्ड लॉकडाउन इज अ डेविल वर्ड. और लॉकडाउन या सब बंद है, ये शब्द शैतान का शब्द. आर यू लिसनिंग? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? लॉकडाउन इट्स अ ग्रेटेस्ट वर्ड. इट्स अ डार्कनेस वर्ड. लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है जो अंधकार से भरा हुआ. बट गॉड सेड, लेकिन परमेश्वर कहता है, आई हैव केप्ट ए ओपन डोर बिफोर यू. मैंने तुम्हारे सामने एक खुला हुआ द्वार रखा है. अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, मेरी खोज के अनुसार, यू शुड नॉट से फ्रॉम योर ओन माउथ दैट वी आर अंडर द लॉकडाउन. आपको खुद वी आर इन द लॉकडाउन. मुंह से ये नहीं बोलना है कि मैं लॉकडाउन में हूं. इट्स अ लाई, ये झूठ है, ये झूठ है. तेरा मुंह से यदि आप बोलोगे लॉकडाउन, इट्स अ झूठ, ये झूठ है. We are in the not lockdown. हम लॉकडाउन में नहीं है. Let us read the book of Revelation. पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य. Chapter 3 verse 8. तीसरा अध्याय उसका आठवां वचन पढ़ते हैं. प्रकाशित वाक्य 3:8. मैं तेरे कामों को जानता हूँ. देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है. मैंने तेरे सामने एक द्वार को कैसे रखा हूँ? खोल रखा है. Listen. ध्यान से सुनिए. It may be a lockdown to the whole world. हो सकता है ये पूरी दुनिया के लिए लॉकडाउन हो. Are you listening? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Can you see your hand? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? My dear children, मेरे प्यारे बच्चों, it's very easy to inherit the blessing which is belongs to you because number one, जो आशीष आपकी है उन आशीषों का उत्तराधिकारी बनना बहुत आसान है, क्योंकि पहली बात, you have a hope. आपके पास खुला हुआ द्वार है. You must understand. आपको ये बात समझने की आवश्यकता है. Always the doors are open for you. द्वार हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे. You know, government can declare lockdown. और हो सकता है सरकार लॉकडाउन की घोषणा करे. Your company can declare lockdown. हो सकता है आपकी कंपनी लॉकडाउन की घोषणा करे. Are you listening? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनिएगा. I am a prophet using the practical word. मैं भविष्यवक्ता हूँ जो भविष्यवक्ता शब्दों का. I am not giving you Bible study, college teaching. मैं आपको बाइबल स्टडी या कोई कॉलेज की शिक्षा नहीं दे रहा. यह ज्ञान बुद्धि में रखकर कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है. 365 दिन कुछ करूंगे नहीं. पूरा बाइबल स्टडी का ज्ञान, मैं बाइबल स्टडी का ज्ञान नहीं दे रहा हूं. लिसन, बहुत ध्यान से सुनो. वो कोई काम का नहीं है. जितना भी तेरा ज्ञान है, लॉकडाउन में कोई काम का नहीं है. लिसन, ध्यान से सुनो. वी आर नॉट एट ऑल इन द लॉकडाउन. हम लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं है. एवरी डे We are the open. हर दिन हमारे लिए दरवाजा खुला है. Hallelujah. Hallelujah. 90% all the pastors. 95% सारे पासवान. By saying lockdown, their blessings are lockdown. Lockdown बोल बोलकर सब बोल बंद है, बोल बोलकर उनकी आशीष भी बंद हो गई है. The more you say lockdown, let me tell you, your blessings are lockdown. जितना ज्यादा आप बोलेंगे कि सब कुछ बंद है, मुझे बताने दीजिए, उतना ज्यादा आपकी आशीष भी बंद हो जाएगी.
today onwards, आज के बाद you have to say, आपको कहना in the midst of lockdown, इस lockdown के बीच में भी I am unlocked down. मैं unlock हूँ, मेरे लिए सब कुछ खुला हुआ है. Hallelujah. Hallelujah. My doors are open. मेरे द्वार खुले हुए हैं. Even company can throw out you. और भले कंपनी आपको बाहर निकाल दे. You may be unemployment. हो सकता है आप बेरोजगार हो. You cannot say you are unemployment. लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बेरोजगार हैं. Either you can say you employment or unemployment. ना तो आप बोल सकते हैं मैं नौकरी करने वाला हूँ, ना ही आप बोल सकते हैं. You have to say. आपको कहना. I am the man of inheritance. मैं उत्तराधिकारी हूँ. You are not at all to say you are employed or unemployed. आपको ना तो ये कहना है कि मैं नौकरी वाला हूँ और ना ही ये कहना है कि मैं बेरोजगार. ए बच्चों ध्यान से सुनो, आप ये बोलने वाले लिस्ट में नहीं है कि मैं एम्प्लॉयड हूं या अनएम्प्लॉयड. Either you are employed or unemployed, you are inherited. Amen. ना तो आप नौकरी वाले हैं और ना ही आप बेरोजगार हैं. आप उत्तराधिकारी हैं. Hallelujah. Hallelujah. और एक बार इतनी अच्छा बोलो बेटा, अभी अच्छा बोली तुम. बोलो और एक बार. ना तो आप नौकरी करने वाले हैं और ना ही आप बेरोजगार हैं. आप ना तो रोजगार हो या बेरोजगार हो, ना मैं तो आप... राजकुमार हो. बोलो बोलो बोलो. ना तो मैं रोजगार हूँ ना ही बेरोजगार हूँ, मैं राजकुमार हूँ. हालेलुया. हालेलुया. अरे बच्चे रिसीव इट इन जीसस नेम, के नाम से ग्रहण कीजिए. डोंट से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू आर इन द लॉकडाउन. आज के बाद से मत बोलिएगा कि आप लॉकडाउन में हैं. We are the inheritance. हम सब उत्तराधिकारी हैं. We are the inheritance. हम उत्तराधिकारी हैं. How you can say that? कैसे आप बोल सकते हैं? Number one. पहली बात. Open door. खुला हुआ द्वार है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Say everybody say I got the open door. सब बोलिए मेरे पास खुला हुआ द्वार है. Hallelujah. 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 So God said to Moses. परमेश्वर ने मूसा से कहा. Verse 8. वचन 8 फिर से एक और बार हम पढ़ेंगे. सुनो मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ. सामने किए देता, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सीक्रेट. और ये है पहला रहस्य. ओपन डोर, खुला हुआ द्वार. आमीन. हालेलुया. थोड़ा बोल कर देखो ना, आपको अच्छा लगेगा. खुला हुआ द्वार मेरे लिए, खुला हुआ द्वार मेरे लिए, खुला हुआ द्वार है. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण. फॉर यू देयर इज नो लॉकडाउन. आपके लिए कुछ बंद नहीं हुआ है. कैसे तो भी आपके लिए दरवाजा खुला ही मेरे बच्चों. यस. No need to cry. और आपको रोने की जरूरत नहीं है. Identify your inheritance. आप बस अपने अपने उत्तराधिकार को पहचानिए. There are 21 secret to say open door. और 21 रहस्य कहने के कि खुला हुआ द्वार है. Why? How you know that doors are open? कैसे जानेंगे आपके द्वार खुले हुए हैं? Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. How you know that you have the open doors? आप कैसे जानेंगे कि आपका द्वार खुला हुआ है? Number one. पहली बात. John 1:12. यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन. Yes. यूहन्ना 1:12. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. आमेन. अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. नंबर वन, पहली बात. There are three secret to identify that I have the open door. तीन रहस्य ये पहचानने के लिए कि मेरे पास खुला हुआ द्वार है. नंबर वन, पहली बात. We are the children of God. हम सब परमेश्वर की संतान है. That is the first secret. और ये पहला रहस्य है. Since we are the children of God, the doors always will be open. क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान है इसलिए द्वार हमेशा खुला रहेगा. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. फॉर द जेंटल द डोर्स विल बी क्लोज्ड. अन्य जातियों के लिए द्वार बंद रहेगा. बट फॉर यू ऑलवेज डोर्स विल बी ओपन. आपके लिए द्वार हमेशा, बिकॉज़ यू आर, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है. हालेलुया. हालेलुया. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिकॉज़ वी हैव ऑलवेज अ प्रिविलेज टू सी द डोर्स आर ओपन फॉर हिज चिल्ड्रन. हम परमेश्वर की संतान है इसलिए हमें यह सौभाग्य मिला कि जो उसकी संतान है उसके लिए खुला हुआ द्वार हम देख सके. नंबर वन, पहली बात. नंबर टू, दूसरी बात. वी आर द पीपल ऑफ गॉड. हम परमेश्वर की प्रजा है. बिकॉज द पीपल ऑफ गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है. गॉड ऑलवेज ओपन द डोर. परमेश्वर हमेशा द्वार को खोलता है. दैट्स रीजन गॉड सेड टू मोसेस. इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा. आई हैव कम डाउन फॉर माय पीपल. मैं अपने लोगों के लिए उतर आया हूँ. दैट्स रीजन गॉड आंसर्ड हिज पीपल. इसलिए परमेश्वर अपनी प्रजा को उत्तर दिया है. Because of God always zeal about his people. क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपनी प्रजा के लिए जलन से भरा हुआ है. That's reason the doors are open. इसलिए द्वार हमेशा खुले हुए हैं. You can read the book of Exodus. आप पढ़ सकते हैं निर्गमन में. What God said to Moses. परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा. Exodus chapter 3. निर्गमन उसका 30वां अध्याय. Verse 7. निर्गमन 3:7.
फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट है परिश्रम करने वालों के कारण होती है। Verse 8, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, इसलिए मैं उतर आया हूँ। I came down from heaven because of my people. मैं अपनी प्रजा के वजह से स्वर्ग से उतर आया। Number one, पहली बात, why the doors are open? और क्यों द्वार खुले हुए हैं? We are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। Number two, दूसरी बात, we are the people of God. हम परमेश्वर की प्रजा हैं इसलिए। Number three, तीसरी बात, why the doors are open? क्यों द्वार खुले हुए हैं? We are the warriors of हम God. हम सब परमेश्वर के योद्धा हैं इसलिए। According to Ephesians chapter 6 verse 10 and 11. 6:10-11 के अनुसार। No need to read it. पढ़ने की जरूरत नहीं है। There are three reasons why the doors are open. तीन कारण हैं क्यों द्वार खुले हुए हैं। Number one, पहली बात, we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। Number two, दूसरी बात, we are the people of God. हम परमेश्वर की प्रजा हैं। Number three, तीसरी बात, we are the fighters of God. हम परमेश्वर के योद्धा हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are like a David. हम दाऊद के समान। When है। David went to the Goliath ground, और जब दाऊद गोलियत के साथ मैदान में गया, the door is open. उसके दरवाजा खुला। Wherever you go, you are a warrior. The doors will be open. जहाँ कहीं आप जाएंगे, आपके द्वार खुलेंगे क्योंकि आप एक योद्धा हैं। Very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण। So in the first secret, पहला रहस्य, we have a open door. हमारे लिए खुला हुआ द्वार। Everybody say this month of August. सब बोलेंगे इस अगस्त महीने में, I have the open door. मेरे पास खुला हुआ द्वार। Wherever I'll go, मैं जहाँ कहीं जाऊँगा, all the doors will be open. सारे द्वार खुल जाएंगे। I will inherit all my blessings. सारी आशीषों का मैं उत्तराधिकारी बन जाऊँगा। There are three reasons to say why the doors are open. और तीन कारण ये कहने के लिए क्यों द्वार खुले हुए हैं। We are His children. क्योंकि हम उसकी संतान हैं। Number two, we are His people. दूसरी बात, हम उसकी प्रजा हैं। Number three, we are His warriors. तीसरी बात, हम सब उसके योद्धा। Number two, दूसरी बात, another open things. एक और खुला हुआ द्वार है। No, one first open door. और पहला हमने देखा खुला हुआ द्वार। Another open. दूसरा खुला हुआ, क्या खुला What हुआ? What is that open? वो क्या खुला हुआ है? Whether खिड़की or any other things. Let us see. खिड़की खुली है या और कुछ खुला है देखेंगे। आज the same व्यवस्था विवरण 1:8. फिर से आते व्यवस्था विवरण 1:8 में। आ. सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ। Yes. जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खा गया। हाँ, पितरों से शपथ खाया। ओ माय गॉड, राइट डाउन ओपन प्रॉमिसेस। लिख लीजिए खुली हुई प्रतिज्ञाएं। नंबर वन, पहली बात, खुली हुई द्वार। द्वार नंबर टू, खुली हुई प्रतिज्ञा। सो इनहेरिटेंस वेरी इजी। तो उत्तराधिकारी बनना बहुत आसान है। You can take whatever belongs to you. जो आपका है उसे आप ले सकते हैं। It's very easy. बहुत आसान। How? कैसे? Doors are open. द्वार खुल चुके हैं। You are not in the lockdown. अब आप लॉकडाउन में नहीं हैं। Oh, for anything the doors are open. हर बात के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। Why? क्यों? You are the child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान। You are the people of God. आप परमेश्वर की प्रजा। You are the warriors of God. आप परमेश्वर की योद्धा हैं। Wherever you go. जहाँ कहीं आप जाएंगे। No more lockdown. अब से कोई लॉकडाउन नहीं। Only unlock. सिर्फ सब कुछ खुला और खुला और खुला ही होगा। Eat very nicely. आप अच्छा से खाएंगे। You will have more money. आपके पास ज्यादा पैसा भी होगा। सभी बोलो लॉकडाउन में मैं बिरयानी खाऊंगा। लॉकडाउन में मैं बिरयानी खाऊंगा। हालेलुया, खाना ही पड़ेगा तुझे। मैं खाना ही पड़ेगा। यस पापा, दो दिन से बिरयानी खा रहा हूँ। हालेलुया, तीन दिन से बिरयानी खा रहा हूँ। लॉकडाउन में बिरयानी खा रहे हैं अपन। गॉड्स पीपल, लॉकडाउन में दाल चावल नहीं, लॉकडाउन में अच्छा बिरयानी, चिकन का कबाब और नवाब बनकर खाने के। हालेलुया, चिकन के कबाब को नवाब बनकर कुर्सी में बैठ करके पूरा एक्सेलेटर को चलाना है। हालेलुया, लेग पीस, एक्सेलेटर मींस लेग पीस। व्हाट इज माय पॉइंट, मेरे कहने का अर्थ क्या है? Open promises. खुली हुई प्रतिज्ञा है। Every promise. What is mean open promises? खुली हुई प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? Every promise is for you. हर प्रतिज्ञा आपके लिए ही है। Hallelujah. Hallelujah. Everybody say all the promises are for me is open. सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए खुली हुई हैं। Hallelujah. Hallelujah. The book of Galatians chapter 3 verse 29. और गलातियों उसका तीसरा अध्याय और उसका 29वां वचन हम पढ़ते हैं। Galatians 3:29. और यदि यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह यीशु के हो, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Listen. बहुत ध्यान से सुनो। Many people say we are not belongs to Old Testament promise. बहुत से लोग कहते हैं हम पुराने नियम की प्रतिज्ञा के नहीं हैं। But let me tell you. लेकिन मुझे आपसे कहने दीजिए। We are belongs to three type of promises.
तीन प्रकार की प्रतिज्ञा के हैं। नंबर वन, पहली बात ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉमिस, पुराने नियम की प्रतिज्ञा, न्यू टेस्टमेंट प्रॉमिस, नियम की प्रतिज्ञा, इटर्नल प्रॉमिस, अनंतकालीन प्रतिज्ञाएं। हालेलुया, हालेलुया, वी आर ओपन फॉर ऑल द प्रॉमिसेस। हम सारी प्रतिज्ञाओं के लिए खुले हुए हैं, सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए खुली हुई है। सभी बोलिएगा, सारे प्रतिज्ञा मेरे लिए खुला हुआ है, सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए खुली हुई है। व्हाट आर द प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञा क्या क्या है, राइट डाउन, लिख लीजिएगा। ऑल द ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉमिसेस, सारी पुराने नियम की प्रतिज्ञा है। नंबर टू, दूसरी बात, ऑल द न्यू टेस्टमेंट प्रॉमिसेस, सारी नए नियम की प्रतिज्ञा। नंबर थ्री, तीसरी बात, ऑल द इटर्नल प्रॉमिसेस, सारी अनंत काल की प्रतिज्ञा। व्हाई, क्यों, All the promises are fulfilled in Jesus. सारी प्रतिज्ञा यीशु में पूरी होती है। Hallelujah. Hallelujah. If you are belongs to Jesus, आप यीशु के हैं, All the promises are open to you. सारी प्रतिज्ञा आपके लिए खुल चुकी है। Very important. बहुत महत्वपूर्ण। Every day you can have your open promises. हर दिन खुली हुई प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते। For you, no promises are closed. आपके लिए कोई भी प्रतिज्ञा बंद नहीं है। All the promises. सारी प्रतिज्ञा। It's open for you. आपके लिए खुली हुई है। Inheritance is very easy. और उत्तराधिकारी बनना बहुत आसान है। Hallelujah. Hallelujah. One side door is open. एक तरफ द्वार खुला हुआ है। Another side. दूसरी तरफ Promises are open. Amen, amen, amen. You can go and take. आप जाकर ले सकते हैं. Become a richest man. सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं. You can go and take anything you want. जाकर जो चाहिए आप ले सकते हैं. Because आप क्योंकि Doors are open. द्वार आपके लिए खुले। No one can shut the door. कोई व्यक्ति द्वार बंद नहीं कर सकता। Number two. दूसरी बात। All the promises are open. सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए खुली हुई हैं। Hallelujah. Hallelujah. Every promises are open. हर प्रतिज्ञा आपके लिए खुली हुई है। Because of Christ. मसीह के वजह से। Because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर के वजह से। Because of the heaven. और स्वर्ग के वजह से। You all the promises are open. सारी प्रतिज्ञाएं खुली हुई। All the Old Testament promises. सारी पुराने नियम की प्रतिज्ञाएं। All the New Testament promises. All the eternal promises. Number three. तीसरी बात. That is going to close. वापस समाप्त करेंगे. Come back to the eighth verse. वापस आते हैं आठवें वचन में. What is another open? Yes. और क्या खुला है? सुनो. सुनो. मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ. जिस देश के विषय में यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था. कहा था. कि मैं इसके तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा. दूंगा. उसको अब जाकर. अब जाकर. See the word अब 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 अब. अब यहाँ पर ये शब्द देखिए अब लिखा. अब जाकर. अब जाकर. अब जाकर. It means. इसका मतलब है. Write down. लिख लीजिए. All the ways are open. सारे मार्ग खुले हुए हैं. Hallelujah. Hallelujah. सारे दरवाजा खुली हुए हैं. सारे प्रतिक्रिया खुली हुई है. और नंबर थ्री. सारे मार्ग. मार्ग खुले हुए हैं. Towards the Canaan. कनान की ओर सारे मार्ग खुले हुए हैं. क्योंकि नितिन गडकरी साहब आकर चार लाइन बना दिया है. चार लाइन. चार लाइन बना दिया. ए बच्चों, हमारे नितिन गडकरी साहब जाकर के कानान जाने वाला रास्ता जो है कितना लेन बना दिया है. फोर लेन. सभी बोलो, हमारे देश में हर नेशनल हाईवे में कितना लेन है. चार. बेस आर ओपन. सारे मार्ग खुले हैं. आपको चार मार्ग खुले हैं. चार मार्ग. Wherever you go, the ways are open. जहां आप जाएंगे वहां मार्ग खुले हैं. हालेलुया. हालेलुया. सभी बोलो, जाएंगे मैं जाऊंगा. जहां कहीं मैं जाऊंगा सारे मार्ग मेरे लिए खुले हुए हैं. हालेलुया. हालेलुया. अभी कच्चा रोड नहीं है. Amen. सभी सीमेंट रोड बना गया है. हालेलुया. कोई गड्ढा मुड्ढा कुछ नहीं है. अभी हमारे सरकार ने करोड़ रुपए खर्चा करो, पूरा देश भर है, सारे मार्ग को खोल दिया है. अभी कोई भी पंजाबी ट्रक जा सकते हैं, किसी का भी गाड़ी जा सकते हैं. मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर हमारा नितिन गडकरी साहब हमारे देश में सारे मार्ग को खोल सकते हैं, तो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया आपके लिए सारे मार्ग को खोल कर रखा है. You must understand. आप कोई बात समझने की आवश्यकता है. Every ways are open. हर एक मार्ग खुल चुके हैं. कानान देश में जाने के लिए चारों तरफ से मार्ग खुला है. God said to people of Israel, go. इसराइलियों से कहा जाओ. लाल समुद्र पार हो गया. Yes. यहोर्दन नदी पार हो गया. Yes. जेरिको दीवार गिर गया. Yes. जाओ. Amen, amen, amen. No more Red
सी नाउ. अब आगे लाल समुद्र नहीं है. सभी बोलो आगे लाल समुद्र नहीं है. आगे लाल समुद्र नहीं है. आगे योदा नदी नहीं है. आगे यर्दन नदी नहीं है. आगे जेरिको शहर भी नहीं है. और आगे यरीहो का शहर भी नहीं है. सभी अच्छा चिल्ला चिल्ला कर बोलो पशवानी है. आमेन. अभी लाल समुद्र नहीं आएगा. अब लाल समुद्र नहीं आएगा. सीधा उद्घाटन है. सीधा उद्घाटन होगा. आमेन. अभी लाल समुद्र नहीं है. अब लाल समुद्र नहीं है. और अब यरीहो की दीवार नहीं है. और अब यर्दन नदी भी नहीं. अभी सीधा कहाँ जाना है? कनान में जाना. रिपन काटना है. उद्घाटन. हालेलुया. सी इन योर लाइफ इट इज द टाइम हैज कम. देखिए आपके जीवन में समय आ गया है. रबाला थुका रबा संगल दिखा बाथू नमा हंदर रसगिन रिसीव इट. देयर इज नो मोर रेड सी नाउ. और आप इस बात को ग्रहण करें कि अब कोई लाल समुद्र नहीं है. नो मोर जॉर्डन रिवर. अब से यर्दन नदी नहीं है. इन योर लाइफ द होली स्पिरिट सेज. आत्मा कहता है नो मोर रेड सी. अब से लाल समुद्र नहीं. नो मोर जेरिहो. अब से यरीहो नहीं है. नो मोर जॉर्डन रिवर. से यर्दन नदी नहीं है. नाउ ओनली गो इन हियर. आप सिर्फ जाकर अपने अधिकार में कर लेना है. द वे आर ओपन. मार्ग खुले हुए हैं. थ्री रीजन. तीन कारण. व्हाई द वे आर ओपन. मार्ग खुले हुए हैं. नंबर वन. पहली बात. बॉडी ऑफ जीसस वाज ब्रोकन. यीशु का शरीर तोड़ा गया. नंबर टू. दूसरी बात. द ब्लड ऑफ जीसस शेड. क्योंकि यीशु का लहू बहाया गया. नंबर थ्री. तीसरी बात. द लाइफ ऑफ जीसस गिवन. यीशु का जीवन. और क्या आप सुन रहे हैं? क्रॉस मेड ऑल द वे. क्रूस ने सारे मार्ग खोल दिए हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत महत्वपूर्ण है. क्रॉस इज द ओनली वे. क्रूस ही एकमात्र मार्ग है. थ्री वेज आर ओपन. यहाँ तीन मार्ग खुले हुए हैं. द बॉडी वॉज ब्रोकन. उसका शरीर तोड़ा गया. द ब्लड वॉज शेड. उसका लहू बहाया गया. द लाइफ वॉज गिवन. उसका जीवन दे दिया गया. दिस आर द थ्री वे. ये तीन वो मार्ग है. यू कैन गो. आप जा सकते हैं. बॉडी इज ब्रोकन. शरीर टूट चुका है. ओ द ब्लड वॉज शेड. लहू बहाया गया. ओ द लाइफ वॉज गिवन. जीवन दे दिया गया है. दिस आर थ्री लाइन वे. ये तीन है जो है लेन वे. तीन लेन वाला मार्ग है. ओ यू कैन गो. और आप जा सकते हैं. और अधिकार में. जीसस इज द वे. यीशु ही मार्ग है. जीसस इज द ट्रूथ. यीशु ही सत्य है. जीसस इज द लाइफ. यीशु ही जीवन है. लेट मी प्रोफेसी. मुझे भविष्यवाणी करने दे. देयर इज अ जीसस. जहां यीशु है ऑल द वे आर ओपन. सारे मार्ग खुले हुए. हालेलुया. हालेलुया. डोर इज ओपन. द्वार खुला हुआ है. प्रॉमिसेस आर ओपन. प्रतिज्ञाएं खुली हैं. वे आर ओपन. और मार्ग खुले. लेट अस क्लोज. आइए समाप्त करें. सभी क्लोज. सभी अपनी आंखें बंद. आस्क गॉड. परमेश्वर से कहें. लॉर्ड आई एम रेडी फॉर एनी रिटर्न्स. मैं अधिकार में करने के. दिस मंथ I want to see some miracle. प्रभु इस महीने में कोई ना कोई. I want to see the inheritance of my blessing. मेरी आशीषों का उत्तराधिकार पाना चाहता हूँ. It's this month. प्रभु ये महीना. ये मंथ ऑफ इनहेरिटेंस. प्रभु उत्तराधिकार का महीना. Doors are open. द्वार खुले हुए. Promises are open. प्रतिज्ञाएं खुली हुई. Ways are open. मार्ग खुले हुए. Close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए. ये mighty anointing is coming. सामर्थ्य अभिषेक आने जा रहा है. रखा मातूला कलदेनी सिंगल दिक्का बदुनमा सगनिबी रुका सगल दीनमी पतलकार दीनम अंदर दाखा लदीनी मी सुबर दीनमु रुका बा शकिल दीनी मी पत्तरा अंदर दाखा सकिनिया. Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें. Ask God. प्रभु से कहे. 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 Lord, I want to inherit. प्रभु मैं उत्तराधिकारी. I want to inherit, Lord. मैं उत्तराधिकारी. I want to inherit. मैं उत्तराधिकारी. I want to inherit. मैं उत्तराधिकारी. I want to inherit. मैं उत्तराधिकारी बनना चाहता हूँ. Doors are open. द्वार खुले हुए हैं. Lord, promises are open. प्रभु प्रतिज्ञाएं खुली हुई हैं. The ways are open. मार्ग खुले हुए हैं. I want to inherit all the blessings. मैं सारी आशीषों का उत्तराधिकारी बनना. Let us close our eyes. आइए अपनी आंखें बंद करेंगे. Let us close our eyes. सभी अपनी आंखें बंद करेंगे. शकल दीनमा. Thank you. The anointing of inheritance is going to come. उत्तराधिकारी का अभिषेक आने जा रहा है. शबलबुर दीनमा पातल खर दीनमे सिकल दीनमा रबलबु शबलबुर दीनमा पातल खर दीनमे संगल दीनमे. Hallelujah, Jesus. Rabalabur shagala dini. Khuda ki deete hai, sab kuch hamara hai. Hum to khuda ki deete hai, sab kuch hamara hai. धन्यवाद 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 धन्यवाद.
What a great joy for this first Friday. और सच में ये पहला शुक्रवार हमारे कितनी बड़ी आनंद. Thank God, second part that wonderful praise and worship. धन्यवाद करते अद्भुत स्तुति और आराधना. Thank God, a very good prayer. धन्यवाद बहुत अच्छी प्रार्थना. One second, thank you for the prophetical message. धन्यवाद फिर से एक और बार एक भविष्य वक्ता. As we come to your presence. प्रभु जैसे आपकी उपस्थिति में हम आए. I pray once again. फिर से एक और बार मैं प्रार्थना. Lord, this afternoon. प्रभु आज की इस दोपहर में. Everyone those on the line. व्यक्ति जो I pray right now, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं. Those who are not yet inherited so far, जिन्होंने अब तक प्रभु उस उत्तराधिकार को प्राप्त नहीं, what are the blessings they are not inherited, जो भी आशीषों को अब तक उन्होंने अधिकार में नहीं, let them see the open doors, वे अपने जीवन में खुला हुआ द्वार देखें, let them see the open promises, वे अपने जीवन में खुली हुई प्रतिज्ञाओं को देखें, let them see the open ways. ओ प्रभु खुले हुए मार्ग को. Lord, I pray right now. प्रभु इसी वक्त में प्रार्थना. This Monday. इस महीने में. Let them see. वे देखें. The blessings of inheritance. उत्तराधिकारी के आशीषों. For the healing. चंगाई के लिए. For the deliverance. छुटकारे के लिए. For the miracle. चमत्कारों के लिए. I release right now. प्रभु इसी समय मैं उन. The life of inheritance in the name of Jesus. यीशु के नाम से उत्तराधिकारी के जीवन. Let them always see the open doors. हमेशा खुले हुए द्वार को देखें. Let them see all. हमेशा खुली हुई प्रतिज्ञाओं को देखें. Let them see the open ways. हमेशा खुले हुए मार्ग को देखने पाए. Thank God, say for the coming Sunday service. फिर से एक और बार आने वाली रविवार की रात. Lord, we pray for the 3 online services. तीनों ऑनलाइन आराधना के प्रार्थना. More people to be added. और कई नए लोग हमारे साथ जुड़ने पाए. Thank you once again. धन्यवाद फिर से एक और बार. For bringing everyone. सभी को लेकर आने के. We pray for the family. उनके परिवारों. The husband, wife, and children, the job. पत्नी, बच्चों, नौकरी. And the ministry. उनके सेवकाई. Let them enjoy the inheritance. प्रभु ऐसा हो कि उस उत्तराधिकारी के जीवन का वे आनंद उठाएं. Bless them, Lord. उन्हें आशीषित करें.
करें। We give all the glory. सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। Everybody say amen. सब कहें amen. Amen, amen, amen. Hallelujah, स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। Hallelujah, स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। Hallelujah, 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 Hallelujah. इस समय पर पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर के सौभाग्य तम सबों के साथ प्रभु के आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन 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 आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आप सबको आशीष दे। एंड डू नॉट फॉरगेट। बिल्कुल मत भूलिएगा। संडे इज द होली कम्युनियन ऑनलाइन सर्विस। आने वाले रविवार को पवित्र मेज की आराधना ऑनलाइन होगी। ऑल द थ्री सर्विस, तीनों आराधना में 5 to 7 सुबह 5 to 7 10 to 1 10 to 1 इवनिंग 7 to 9 शाम को 7 to 9 ऑल द सर्विस होली कम्युनियन कम विद रेडी। सारी आराधना में पवित्र मेज होगा तो आप तैयारी के साथ। प्रभु आपको आशीष। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Recording stopped.